And moving on to the other top story, some strong reactions coming after Congress leader Digvijaya Singh claimed that ATS chief Hemant Karkare, killed on 26/11, had told him about threats to his life from anonymous callers because he had held Hindu right-wing activists like Pragya Singh Thakur for the Maligaon blast. Now, Hemant Karkare's wife, Kavita Karkare, has said that no one but Pakistan is responsible for husband's death and that Digvijaya Singh is playing vote bank politics by making such statements. Now, the BJP has also condemned the statement in very strong words. शहीद हेमंत करकरे जी मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उसमें कोई हिंदू लोग इन्वॉल्व थे तो नेचुरली हिंदू लोगों लोग रिएक्शन देंगे जैसे वो अगर उसके पहले वो मुस्लिम टेररिस्ट को कुछ ढूंढ रहे थे तो मुस्लिम लोग उनके कुछ रिएक्शन दे रहे थे तो ये नेचुरल थिंग है लेकिन इसका संबंध हमने 26/11 के बॉम्ब ब्लास्ट को नहीं लगाना चाहिए ये बहुत गलत बात हो रही है जैसे दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हिंदू टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व है 26/11 के इसके इसका क्या नतीजा हो जाएगा हम पाकिस्तान को फ़ायदा उठाने की उनको ये अपॉर्चुनिटी देंगे तो ये हमने नहीं करना चाहिए मुझे लगता है दिग्विजय सिंह ये बात क्यों उठा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कुछ राजनीति है वोट बैंक पॉलिटिक्स है